नमस्कार। तो यार आजकल ना मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे निब्बा निब्बी फैल गए और कुछ तो पेरेंट्स भी बन चुके। तो यार मैंने सोचा यार मैं क्यों अब तक सिंगल हूँ, मुझे भी करनी है लौंडियाबाजी। लेकिन यार मैं ठहरा इंट्रोवर्ट, मुझे तो लड़कियों से बात करना तक नहीं आता। तो फिर मैं गया उस जगह पर जहाँ पर हर समस्या का हल मिलता है, YouTube.com। तो यार मैंने वहां पर सर्च किया हाउ टू बी अ लौंडियाबाज, तो वहां पर मुझे मिला ये वाला वीडियो। अबे लौड़े अपना काम कर। नहीं रे, ये नहीं, ये वाला वीडियो। सेवन डेटिंग टिप्स टू मेक अ गर्लफ्रेंड। ये वीडियो है मेरी समाज की ओर सेवा। यस। ये लौंडियाबाजों का प्राइम मिनिस्टर दलाली को समाज सेवा बोल रहा है। कल को चकला खोल के बोलेगा विकास हो रहा है मित्रों। सही खेल गया वैंच। खैर इस गंजेड़ी लव गुरु का नाम है रणवीर अलाहाबादिया, लोग इसे बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं। रणवीर भाई मल्टी टैलेंटेड है, ये लौंडियाबाजी भी सिखाते हैं, ग्रूमिंग टिप्स देते हैं, फैशन टिप्स देते हैं और पॉडकास्ट भी बनाते हैं। इसके हिसाब से इसका पॉडकास्ट स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट है। रणवीर भाई अपने पॉडकास्ट में बहुत मेहनत करते हैं मुंडी हिलाने में। क्या रणवीर भाई का पॉडकास्ट चूतिया है? क्या ये वीडियो देखने वाला इस वीडियो को लाइक करेगा? क्या मेरे 1000 सब्स होंगे? कर दो यार सब्सक्राइब, नीचे लाल कलर का बटन है या फिर सफेद कलर का अगर अपडेट किया हुआ है तो। अब काफी लोग ये कहेंगे कि यार तू तो छा गया, तू तो प्ले बॉय है। मैं प्ले बॉय नहीं हूँ, मेरे अब तक 7 या 8 सीरियस रिलेशनशिप्स हुए हैं सिंस एज 15 और 16। ठीक है, उसके पहले भी थोड़े छोटे मोटे रिलेशनशिप्स थे स्कूल में। आई नो ये थोड़ा अजीब है पर शहरों में ऐसी चीज़ें होती है। रणवीर भाई 7-8 रिलेशनशिप्स को सीरियस नहीं कहा जाता, उसे रंडीबाजी बोलते हैं। उससे दिल नहीं डिंग डोंग बड़ा होता है। आपके भाई की डिंग डोंग की मजबूती है जबरदस्त। हालांकि रणवीर भाई ने खुद अपने ब्रेकअप के बाद गांजा और दारू शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी ये यूट्यूब पे लौंडिया बाजी करना सिखाते हैं और उसके ऊपर इन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अपने पार्टनर को मिनटों में करो इम्प्रेस, रिलेशनशिप टिप्स की मदद से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। 4 Rules of Love। उसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि रेड सिग्नल्स होते हैं रिलेशनशिप्स में और ग्रीन सिग्नल्स होते हैं रिलेशनशिप्स में। अरे रणवीर भाई ये रिलेशनशिप है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं। लगता है गांजा का साइड इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ आपका। हाउ टू चैट विथ अ गर्ल ऑन व्हाट्सएप। आप पहले से ये नहीं कह सकते कि यार पूजा मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे इम्प्रेस करना चाहता हूँ, फिर पूजा बोलेगी यू क्रीप, तो आप बेसिकली वो नहीं कहोगे। तो चाहे आपके दिल में पूजा के लिए प्यार हो, आप कहोगे पूजा क्या आपने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया? अरे रणवीर भाई बॉयफ्रेंड बनना है, ट्यूशन टीचर नहीं, प्रोफेसर जॉनी सिंस मत बनाओ हमें। एक बार आपकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी बिल्ड होने लगी ना, इमोजीज यूज कीजिए। जैसे कि अगर उसने कुछ फनी कहा तो वाला हंसने वाला इमोजी यूज कीजिए। कौन सा इमोजी? तो किसका बॉयफ्रेंड है ये? उससे पहले फ्रेंड किसका है? इसके दोस्त हमेशा साथ में हंटर रखते हैं। बिल्कुल बकचोदी नहीं चाहिए बहनचोद। व्हाट गर्ल्स लव इन बॉयज। अच्छा एस होना चाहिए, एकदम राउंड और प्लम्प। क्या चाहिए तेरे को? अच्छा ऐस होना चाहिए एकदम। बहन तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। मेंटल फीचर, उसको ऐस नहीं होना चाहिए। लगता है ये भी रणवीर भाई के साथ। गांजा, गांजा। आपको या तो एक जोक क्रैक करनी है या उन पर एक जोक क्रैक करनी है। जनरल जोक हो सकती है या उन पर जोक हो सकती है। जनरल जोक का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने कहा आपके बाल बहुत सुंदर हैं, पर पता है मुझे ना गंजी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है। बस पर बस मैं इससे ज़्यादा इसे नहीं देखूँगा अब, मुझे माफ़ करो, मेरा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। खैर अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक मारो और इस वीडियो को शेयर करो अपने लौंडियाबाज फ्रेंड्स के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करो और उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब करे। सपोर्ट चाहिए गाइस, और कुछ नहीं चाहिए, और क्या ही चाहिए लाइफ में, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो बस। अब अपने दिमाग में और गहराई से चले जाते हैं। पहली बार जब मैंने गांजा ट्राई किया था, मैं अपने बचपन में चला गया, मुझे अपने मेमोरीज दिख गए। हाँ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये हुआ, सिक्स स्टैंडर्ड में ये खुशी एक्सपीरियंस की, ये तो मैं भूल ही गया, यह मुझे दिख गया फिर से। गांजे से ये होता था।